प्रदूषण हा आज मानव जीवनातील गंभीर समस्यांचा विषय बनला आहे. पेट्रोल डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनातून मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या कार्बन डायऑक्साईडसारख्या घातक वायूच्या उत्सर्जनामुळे मानवी आरोग्यासोबतच पर्यावरणाचा ऱ्हास होत चालला आहे. या हानिकारक समस्येतून आपणच स्वतःची सुटका करू शकतो. म्हणून भविष्यात प्रदूषणामुळे उद्भवणाऱ्या समस्यांना आवर घालायचा असेल तर पर्यावरणपूरक विजेवर चालणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढला पाहिजे. याच पार्श्वभूमीवर मोतीलाल संघवी यांनी डोंबिवलीत रिवॉल्ट या इलेक्ट्रिक दुचाकीचे शोरूम उभारले असून पहिल्याच दिवशी नागरिकांनी देखील या इलेक्ट्रिक दुचाकीला चांगलाच प्रतिसाद दिलेला पाहायला मिळाला. या दुचाकीत बॅटरी मुव्हेबल असून एकदा चार्जिंग केल्यानंतर 124 किलोमीटरपर्यंत प्रवास करू शकत असल्याने नागरिकांनी देखील रिवॉल्ट कंपनीच्या इलेक्ट्रिक दुचाकीला पसंती दिली आहे. इतने साल से आप बाइक का शोरूम ड्राइव कर रहे हैं, क्यों आपका ऐसा लगा कि इलेक्ट्रॉनिक बाइक पे आपको कभी जाना चाहिए, क्या बताएंगे? पब्लिक की एक तो डिमांड है और पब्लिक का पर मंथ जो खर्चा होता है पेट्रोल की बाइक में वो इससे बहुत सेव होता है और इसकी बैटरी भी एक रिमूवेबल है तो घर पे भी कस्टमर लेके जाके चार्ज कर सकता है. क्या प्राइस है और इसमें क्या अलग है? 1,74,905 रुपीज इसकी ऑन रोड प्राइस है. अलग का 120 पर एक बार चार्ज करने के बाद ये गाड़ी चलती है और गाड़ी की बैटरी रिमूवेबल है, पूरी मतलब घर पे लेके जाके आदमी चार्ज कर सकता है. और इसके अलावा अदर आप प्रोडक्ट देखेंगे इलेक्ट्रिक की बैटरी का जलने का या फायर, वो अभी तक रिवॉल्ट में ऐसा कोई इशू नहीं आया अभी तक. लोगों को आप क्या आह्वान करेंगे कि अभी जो नेचर के साथ इलेक्ट्रिक बाइक है उसके लिए क्या आह्वान करेंगे? आह्वान मतलब कस्टमर ये खरीदना चाहिए और अपने खर्चे भी बचेंगे उससे उनके, और पेट्रोल पंप पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइन पे लाइन लगाना नहीं पड़ेगा उनको.